महाराष्ट्र के नासिक में हॉस्पिटल ऑनर्स एसोसिएशन की बैठक में लिया गया निर्णय। इस बैठक में 170 अस्पताल के प्रमुख उपस्थित रहे। ऑनर्स एसोसिएशन ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ठाकरे को पत्र लिखा कि हॉस्पिटल प्रबंधन और डॉक्टर 2 वर्षों से कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे हैं, मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुके हैं और कुछ समस्याएं भी हैं जिनके कारण प्राइवेट हॉस्पिटल नासिक में कोरोना मरीजों का इलाज नहीं कर सकते। डॉक्टर राजेंद्र कुलकर्णी, चेयरमैन एक्शन कमेटी IMA ने कहा कि IMA ने अभी तक प्राइवेट हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों का इलाज ना करने के फैसले का समर्थन नहीं किया। इस बारे में नासिक कलेक्टर से बात चल रही है, जल्दी हम अपनी भूमिका तय करेंगे। भारतीय न्यूज के लिए नासिक से संदीप द्विवेदी की यह रिपोर्ट। कोरोना की महामारी ने गए 1.5 साल में जो तबाही मचा रखी है उससे पूरा विश्व हैरान है। इसमें सभी डॉक्टरों ने, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ने शुरू से अपना योगदान दिया है। नासिक में भी हमने हमारे क्लिनिक्स खुले रखे और अस्पताल में भी सेवा दी है, आज भी दे रहे हैं। जो न्यूज़ आई है कि कल से प्राइवेट कोविड हॉस्पिटल में नया एडमिशन लेना बंद किया है, उस बैकग्राउंड पे मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इस निर्णय में पार्टिसिपेंट नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि आज की तारीख में प्राइवेट कोविड हॉस्पिटल चलाना बहुत मुश्किल है। इसी बात पे गौर करने के लिए IMA का स्टेट लेवल का आज मीटिंग होने वाला है, उनके निर्देश से हम हमारी आगे की पॉलिसी डिसाइड करेंगे। मैं डॉक्टर राजेंद्र कुलकर्णी, चेयरमैन एक्शन कमेटी IMA महाराष्ट्र स्टेट। धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।